आज हम आपको पचपदरा के नमक निकालने के तरीके और कितना नमक निकालता है उससे परिचित करवाते हैं। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनसे पूछते हैं पूरी बातें। राजस्थान का ये क्षेत्र है, समुद्र से कोसों किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ की ज़मीन में इतना खार है कि यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। इसी जगह रिफाइनरी का निर्माण भी हो रहा है। अब वो विकास है या फिर उन पुरानी जो हमारी धरोहर है उनको नष्ट करने का जरिया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि यहाँ बहुत पुराने साल, हजारों साल से यहाँ नमक का उत्पादन हो रहा है। अभी रिफाइनरी लगने से यहाँ की जो ज़मीन है उस पर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है और यहाँ के जो लोकल जो काम धंधे थे वो नष्ट हो रहे हैं। अब विकास, नया विकास कितने सालों चलेगा ये तो समय ही बताएगा। भाषा का ही नाम है आप चंपारण में। हमें इनमू जो को नीचे जमी जमीड़ नमक है वो कितो नीचे तक है वो जो नमक ये नमक निकाल रहे हैं। पहले यहाँ ट्रेन भी आती थी अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि ये यहाँ से नमक का बहुत उत्पादन होता था और नमक यहाँ फेमस है। इसमें जो नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं नमक में, जो मूल रूप से जिनको आयोडीन बोलते हैं, और नई कंपनियाँ तरह तरह के नामों से नमक को बेचती हैं, तो वो सब इसमें नेचुरल रूप से पाया जाता था। आयोडीन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और ये सूर्य की किरणों में ही सूखता है, ये कोई फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं होता है। तो इसकी वजह से इसमें जो आयोडीन है वो जितनी हमें ज़रूरत होती है नेचुरली रूप से उतना ही इसमें होता है, इसमें प्राकृतिक रूप से ही होता है। ऐड बाद में ऐड नहीं किया जाता है, बाद में जो ऐड करता है वो शरीर के लिए फ़ायदा है नुकसान है ये तो रिसर्च से पता चला है कि ज़्यादा आयोडीन भी शरीर के लिए नुकसान होता है, तो इसमें आयोडीन ऐड नहीं किया गया है। और कितना तो नमक निकल जाए इनमें हम, और जो निकली उड़ो नमक कितना है? 150 बोरी है। बाद में नमक कंपनियों में जाए, कंपनी में जाए, कोई पैकिंग में, कोई ना कोई फैक्ट्री में जाए, कोई जटरी कुंडी में जाए, कोई गौशाला जाए। अच्छा, गौशाला में गायों वास्ते ये नमक खाने के लिए बिल्कुल शुद्ध है, गायों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए। लेकिन जो हम सब कंपनियों के पीछे भाग रहे हैं और हमें देखो कितना एकदम, ये कैमरा आपको पूरी क्वालिटी नहीं दिखा रहा है लेकिन एकदम सफ़ेद है ये और एकदम साफ है। अच्छे अच्छे क्रिस्टल बने हुए हैं इसमें पूरे। कुछ इसमें ये जो बीच में डंडा है ये किस लिए है भाई साहब? खोदने के लिए। अच्छा, जमीन में ये अभी जमा हुआ है एक एक फुट तक? बहुत मेहनत रो काम है। और ये जो खड्डो खोदी उड़े हो कितना समय हो गया? ये तो समय बहुत हुआ है। बहुत पुराना खड्डा है ये बहुत पुराना। और ये पानी है जो बारिश का है या जमीन के अंदर ही है? ये जमीन का है, बारिश के है। अच्छा, बारिश का है, यानी जमीन में जो नमक है वो जमीन में खार है उससे नमक बन रहा है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा विचार है कि यहाँ पुराने जमाने में यहाँ समुद्र था जो धीरे धीरे पीछे खिसक गया और वो जमीन के अंदर जो लवणता की मात्रा है वो अभी भी बरकरार है और शायद उसी की वजह से यहाँ नमक का उत्पादन हो रहा है। और ये नमी, ये जो ज़मीन है यहाँ इस क्षेत्र की, ये थोड़ी डीपली है, गहराई की ज़मीन है, इसकी वजह से इसमें पानी रिसता रहता है साइडों से और यहाँ वो जितना भी लवण होता है, शायद उसको सोडियम भी बोलते हैं, सोडियम का एक रूप है, तो वो यहाँ जमा होता रहता है और नीचे ये इस प्रकार से ये नमक निकलता है। वैसे हमें देखने में ये मटमैला पानी दिख रहा है और पास में भी ज़मीन, ये रेत की ज़मीन दिख रही है, लेकिन अंदर पूरा ये देखो ऐसे पूरा अंदर तक नमक है ये। और ज़मीन ये दिखने में एकदम सामान्य लग रही है लेकिन यहाँ बहुत दलदल है, ये यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। और नमक रो उत्पादन पूरे साल तक चलते रहे या कोई खास सीजन रहे साबु चले? सीजन में चलता है। अच्छा, ये सिर्फ सर्दियों सर्दियों में? सर्दी और गर्मी में। सर्दी और गर्मी में नमक मौसम होता नहीं। हाँ, जब गड़ जाता है ये। अच्छा, बरसात में बंद है? हाँ, 4 महीना बारिश बारिश बंद रहे और बाकी 6 महीना 8 महीना निकालता रहो। तो आपने आपने एक दिन कितना रुपया दे देवे? 400 रुपया आपने इन्हें दे। और जो इन मालिक है इन खाना रहा
वे बहुत सारा परिवार है या फिर कोई एक ही परिवार है? अच्छा उन खसरे है सब खतरा है वो मरे, वो मरे, यो आप आप फिर वे पांती कर दे, बंटवारा कर दे। अच्छा वे और धंधो भी करे या नमक रे माते ही पूरी? अच्छा इन सारे तो खाली पुरानी परंपरा है चलाओ, बाकी ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिले। ये जो पावड़ा है इसमें छेद किए हुए हैं, दिखाओ भाई साहब एक बार, एक बार लो भरो। ये बात हमारे को काम आता, किसी को काम नहीं आता, भरना ही नहीं आता। अच्छा भरना ही नहीं है? देखिए ये बहुत कठोर है, सॉलिड लग रहा है, और जो पानी के अंदर पड़ा है फिर भी ये सॉलिड है, पानी के अंदर भी नहीं गल रहा है, यानी इस पानी में भी इतनी लवणता है कि ये उल्टा बन ही रहा है न गलने की बजाय। यदि हम सामान्य पानी में नमक को इसको डाल देते तो गल जाता है, लेकिन इस पानी में वो गलने की बजाय और क्रिस्टल बनते हैं इस पानी में। उसके जो लकड़ी का डंडी है इसमें भी नमक के क्रिस्टल बन रहे हैं ये। एक बात बताओ, जो हमारे दादाजी बताता कि इन जमीन में इन नमक री जो खान है इनमें जो लकड़ी नाग दो वो भी नमक बन जावे। मुराली आती नहीं, मुराली मुराली मई मई वो हमें तो क्या कम पानी है, नकते नहीं इतने पानी हो गए तो इसमें मुराली डले तो नमक बढ़िया क्वालिटी रहे। अच्छा मिश्री की तरह, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक का जो विधि है वो भी ये लोग जानते हैं। इसमें एक पौधा होता है यहाँ की लोकल स्तर पे होता है, मुराली बोलते हैं उसको, जब ज़्यादा पानी होता है तो वो उसमें डाल देते हैं और पानी उसमें वेपराइज पानी का जो वाष्पीकरण है वो जल्दी होता है और वो जो क्वालिटी होती है नमक की उसमें भी सुधार होता है। तो ये हम कोई जा रहे थे आगे टूर में तो देखा तो इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं और आपको भी बता देते हैं राजस्थान की जो भी बात होगी। मैं आगे वाले सीरीज़ में आपको हर प्रकार की बातें बताता रहूँगा जो जो मेरे ध्यान में आएगी, रूट में आएगी। एक सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि जो किकर है, जो अंग्रेजी बावड़िया भी बोलते हैं इसको, इन्होंने यहाँ की सारी ज़मीन पर आक्रमण कर रखा है। ये पहले नहीं थे, 200 साल पहले कुछ बीज थे और 50 साल के अंदर तो एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर ये वनस्पति न हो। इससे थोड़ी सी आगे ही रिफाइनरी है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, बाकी सारी ज़मीन उस रिफाइनरी के अंतर्गत 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है। ये पचपदरा बाड़मेर हाईवे है और ये हमारे साथ बनाने। तो फॉलो टेको लाइक टेको लाइक टेको। ये पचपदरा का साल्ट क्षेत्र है, इसी के सामने वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन वो रिफाइनरी है। और यहाँ की ज़मीन ऐसी होती है कि जैसे जनरली आपको ये ऐसे बंजर है और सूखी हुई लग रही है अभी एकदम, ये हार्ड है, इतनी हार्ड है, लेकिन ये इसको 1 इंच तक खोद देते हैं तो नीचे से ये दलदल है, इतनी हार्ड है। और जैसे इसको थोड़ी सी खोद देते हैं उसके बाद ये हो गई पूरी एकदम दलदल है अभी, ये 1 इंच भी नहीं है, तो 5 mm ही है मुश्किल से, 5 mm ही हार्ड है, इतनी हार्ड है, ये देखो इतनी हार्ड है, उसके बाद ये दलदल। तो ऐसे क्षेत्र जो खार का क्षेत्र होता है, साल्ट का क्षेत्र होता है, तो वहाँ बिना जाने समझे उसके अंदर कोई व्हीकल ले जाना या बेमौसम उस क्षेत्र में घुसना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ये एक ऐसी वनस्पति है जो इतनी खारी, खार में भी पानी में भी ये पनप रही है।